नमस्कार मित्रों, 123 प्रोजेक्ट्स की ओर से बनाया गया एक और प्रोजेक्ट म्यूजिकल डस्टबिन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सोलर पैनल है, एक बैटरी है, एक बाहर से चार्जिंग करने की सर्किट है, एक एक्सेलेरोमीटर है, एक ईटी मेगा 8 माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, 16 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल है, 22 पिको फेराडे, ये जो आप देख रहे हैं दो पैर 22 पिको फेराडे का कैपेसिटर्स हैं। फिर यहाँ हमारे पास है 7805 जो कि सोलर पैनल पर से आने वाले वोल्टेजेस को रेगुलेट करेगा। आप 6 वोल्ट 12 वोल्ट की कैपेसिटी वाली सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ये इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और ये चार्जिंग सर्किट को देगा और जिससे कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। जब भी बैटरी चार्ज हो रही होगी उस वक्त रेड लाइट ऑन होगी और जब भी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तब ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। अगर मॉनसून के दिनों में अगर आपके पास सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से अपना एंड्रॉयड फ़ोन लगाकर भी इस सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। फिर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो रेड कलर के एलईडी हैं जो कि जब भी म्यूज़िक स्टार्ट होगा तभी ऑन होगी। फिर ये एक एलईडी है पावर इंडिकेटर एलईडी, यानी कि बैटरी से सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बैटरी से सप्लाई ऑन या ऑफ़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्विच है, ये ऑफ कंडीशन है, ये ऑन कंडीशन है। फिर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक स्पीकर है जैसा कि मोबाइल फ़ोन में लगता है। फिर हमारे पास दो और चीज़ हैं, एक है ये ट्रांजिस्टर एक और ट्रांजिस्टर दो। ट्रांजिस्टर एक क्या करेगा कि ये जो टोन जनरेटिंग आईसी है UM6060 उसमें से आने वाली सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और इस स्पीकर को ड्राइव करेगा, जबकि ये दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है जो माइक्रो कंट्रोलर पे से आने वाले सिग्नल को वोल्टेज में स्विचिंग करेगा और UM6060 के सप्लाई को ऑन या ऑफ करेगा। अब ये प्रोजेक्ट में करते क्या है, सोलर पैनल से ये सिर्फ चार्जिंग सप्लाई लेगा अगर आप सोलर पे चलाना चाहते हो तो, पर उसके अलावा सारी चीज़ें बैटरी पे नॉर्मल प्रोजेक्ट के तौर पे ही चलती है। यहाँ से आपके सोलर पैनल्स के सप्लाई आ गए, फिर वो गए डायोड से होकर 7805 में जिससे कि वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा। वही काम अगर आप बाहर से एंड्रॉइड चार्जर लगा दोगे तो भी करेगा। अभी सर्किट का मेन काम इस सेंसर और एक माइक्रो कंट्रोलर, ये एलईडी स्पीकर और ये टोन जनरेटर का है, ठीक है। अभी ये आईसी क्या करती है, ये हर 100 मिलीसेकंड में इस सेंसर को स्कैन करेगी। ये सेंसर का नंबर है ADXL335, ठीक है। ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर होने वाली मूवमेंट को एनालॉग टाइप पे रीड करता है। इस सेंसर में से आने वाले एनालॉग डेटा को वो रीड करेगा और उसको अपनी एनालॉग पिन 0 और 1 पे रीड करता रहेगा। अगर उसके अंदर उसे लगा कि ये जो पूरी प्लेट है यानी कि ये जो सेंसर है वो 20 या 30 डिग्री से ऊपर मुड़ा हुआ है, यानी आप देखिए ऐसे, ये ऐसे 20 डिग्री या फिर ऐसे 20 डिग्री या तो फिर ऐसे या ऐसे, यानी कि अगर आप जब भी डस्टबिन में फिट करोगे, अगर डस्टबिन इस तरह से मूव करती हुई आप फिट करोगे या फिर ऐसे फिट करोगे तो भी ये काम करेगा। अगर एक्स या वाई एक्सिस दो में से किसी भी एक में 20 से 30 डिग्री से ऊपर का वेरिएशन मिला तो इससे आने वाले डेटा को एनालाइज करके ये माइक्रो कंट्रोलर इन दो एलईडीज़ को स्टार्ट कर देगी, साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करेगी, इसको बायसिंग सिग्नल देगी, पॉजिटिव बायस देगी, जिससे कि ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा और UM6060 को सप्लाई देगा जो कि टोन जनरेटिंग आईसी है। इसको सप्लाई मिलते ही ये ट्यून जनरेट करना स्टार्ट कर देगी जिसका कि सिग्नल इस रजिस्टर से होते हुए, यहाँ पर ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं इससे होते हुए इस ट्रांजिस्टर को मिलेगा। ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा कि इस ट्यून जनरेटिंग आईसी से आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा
और स्पीकर के नेगेटिव कनेक्शन पर देगा, और स्पीकर का पॉजिटिव कनेक्शन डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आप जब भी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें तो शुरुआत में इसे 15 से 20 सेकंड आप कम से कम दीजिए, आप आधा मिनट पकड़ कर चलिए, क्योंकि इसे सेंसर को कैलिब्रेट करने में और स्कैन करने में आधा मिनट जितना समय लगेगा जब भी आप स्टार्ट करते हो तभी। उसके बाद आप हर आधे पौने सेकंड में ये अपने आप स्कैन करता रहेगा। यहाँ पर ये बैटरी मोबाइल की है जो है 3.7 वोल्ट की है, 1020 मिली एम्पियर आवर की है। तो आइए देखते हैं इसका डेमोंस्ट्रेशन। अभी हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ये लाइट ऑन हो गई जो कि पावर इंडिकेटर एलईडी है। जब भी हम इसको घुमाएंगे इस तरह से आवाज़ आएगी। वापस डस्टबिन का क्रेडल स्टेबल हो जाते ही स्टॉप हो जाएगी लाइट और बजर दोनों, और जब तक ये मुड़ा हुआ रहेगा उसका काउंटर रीसेट में रहेगा, यानी तब तक उसका ऑफ होने के लिए काउंटर इनेबल नहीं होगा। आप इसको बीच में लाओगे उसके बाद ही काउंटर स्टार्ट होगा और ये बंद होगा। ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, यानी चारों दिशा में चलेगा। आप जब भी इसको स्टार्ट करें तभी कम से कम आधा मिनट जितना समय दे, एक मिनट आप पकड़ के चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना ये ऐसे ही चालू हो जाता है। पर सेंसर कितने वक्त से बंद है इसके ऊपर इसका कैलिब्रेशन टाइम डिपेंड करता है। आशा रखते हैं आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट हम आपको बनाकर देंगे। यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल देख सकते हैं। आप YouTube पर जाके 123 प्रोजेक्ट्स या तो फिर जय डॉक्टर नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको दूसरे भी वीडियो मिलेंगे। अगर आपके पास